टॉप 10 सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट बाय टी हार। नंबर 1, यू आर द रूट कॉज ऑफ योर सक्सेस। टी हार कहते हैं कि पैसा एक रिजल्ट है, जो भी सक्सेस है वो एक रिजल्ट है, लेकिन उस रिजल्ट का मेन कॉज, उस रिजल्ट की मेन जड़ आप हो, आपका माइंडसेट है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब भी आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने माइंडसेट को और अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप उस सक्सेस को अचीव कर सके, आप उस गोल को अचीव कर सके। आप अपनी लाइफ में अभी जो भी कंडीशंस देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो आपके एक्शन का और आपके माइंडसेट का रिजल्ट है। इसलिए इस बात को समझिए, जो सक्सेस या जो फेलियर आप देख रहे हो, वो सारी चीजें आपकी माइंडसेट और आपके एक्शंस का रिजल्ट है। इसलिए आपको उन चीजों पर काम करने की जरूरत है। नंबर 2, बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। लोग आज अमीर बनना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो महंगी चीजें लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने आज तक कौन सा ऐसा अमीर आदमी देखा है जिसने स्ट्रगल नहीं की हो? वो सब लोग यहाँ तक अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। अब दिक्कत यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन को एक या दो दिन के लिए छोड़ देते हो, लेकिन उसके बाद आप फिर से सेम वही चीजें करने लगते हो। इसका मेन कारण है आपकी हैबिट्स। अपनी सिर्फ एक हैबिट को बदलने की कोशिश कीजिए, कोई छोटी से छोटी हैबिट जो आपको लगता है आपके अंदर बुरी हैबिट है। धीरे धीरे जैसे ही वो हैबिट चेंज होने लगेगी, वैसे ही आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना शुरू कर देंगे। नंबर 3, फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आज बहुत से लोग अपने गोल को कुछ इस तरह से डिसाइड करते हैं कि वो अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देखनी चाहिए, आपको अपने आसपास लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही इंसान की प्रॉब्लम हो, इस दुनिया में वो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है और उससे आप एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और ये किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आप अपने आप सक्सेस की ओर जाना शुरू कर दोगे। जब भी लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तब वो लोग आपके पास आएंगे। इस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। आप अपॉर्चुनिटीज को मत देखिए, आप प्रॉब्लम्स को देखिए, लोग किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, लर्न टू हैंडल व्हाट यू ऑलरेडी गॉट। टी हार्व कहते हैं कि आपके पास अभी जितनी भी चीजें हैं, क्या आप उनको अच्छे से हैंडल करना जानते हो? क्या आप उनको अच्छे से मैनेज करना जानते हो? यहाँ पर उन चीजों की बात नहीं की जा रही है जो आपके पास एक्सटर्नल चीजें हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास अपनी बॉडी है, आपके पास अपना माइंड है। क्या आप उनको अच्छे से हैंडल करना जानते हो? और जो भी आपके पास आपने अभी तक अचीव किया है, क्या आप उनको अच्छे से हैंडल करना जानते हो? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप पहले उसके पास कोई चीज देते हो, अब वो उस चीज को गिरा देता है और वो टूट जाती है, लेकिन अब जब दूसरी बार वो बच्चा आपसे और बड़ी चीज मांगेगा, तो क्या आप उसको वो चीज दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा अभी उस चीज को हैंडल करने के लिए इतना बड़ा नहीं है। उसी तरह से अभी जो आपके पास चीजें हैं, उनको हैंडल करना सीखिए। आप बस मांगते जा रहे हो, मुझे प्लीज ये दे दो, मुझे प्लीज ये दे दो, यूनिवर्स मुझे प्लीज ये दे दो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी जितनी भी चीजें आपके पास है, क्या आप उन चीजों को सही से हैंडल करना जानते हो? आप में से मैक्सिमम लोग उसको सही से हैंडल करना नहीं जानते। आप उन्हीं चीजों में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। आपको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता, आपको अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखना नहीं आता, तो आप किसी और नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाओगे। इसीलिए पहले जो चीजें आपके पास है, उनको अच्छे से मैनेज कीजिए, फिर आप अगले स्टेप पर जा सकते हो। नंबर 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। टी हार्व कहते हैं कि आपको कुछ भी चीजें अचीव करनी है, उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने ऊपर
टाइम इन्वेस्ट करें, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, आप अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अगर आप अपने को बेहतर बनाते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी कॉन्स्टेंटली होती रहेगी। लेकिन आप बस ये देखते रहेंगे कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती और आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप बस थोड़ी सी ग्रोथ लेकर वहीं पर रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नॉर्मल पेड़ का बीज लगाते हो तो आप कुछ महीने या एक साल के बाद जाकर देखोगे, वो बीज एक प्लांट में बदल जाएगा। आप एक साल के बाद और जाकर देखोगे तो फिर वो थोड़ा बड़ा हो चुका होगा। फिर आप कुछ सालों के बाद जाकर देखोगे तो वो एक बड़ा ट्री बन चुका होगा, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक बेम्बू ट्री का बीज लगाते हो तो अगर आप पहली साल के बाद जाकर देखोगे तो आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा। आप दूसरी साल के बाद जाकर देखोगे, आपको वहां पर फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाएंगे लेकिन आपको वहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन 5 साल के बाद वहां पर आपको एक अच्छा पौधा बढ़ते हुए दिखेगा और वो पौधा 1 साल के अंदर अंदर 50 फीट की हाइट ले लेता है। और वो ग्रो होने में पहले 5 साल इसलिए लेता है क्योंकि पहले वो पेड़ अपनी जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग और जमीन के नीचे बहुत लंबा फैलाता है, जिसकी वजह से जब उसकी हाइट बहुत ऊंची हो तो वो स्टेबल रह सके। इसी तरह से अगर आपको सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, तो समय लग सकता है। उस समय में अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और जैसे ही आप ग्रो करना शुरू करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत कॉन्स्टेंटली और बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को मजबूत बनाइए, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए। नंबर 6, प्ले टू विन। आप जितने भी विनर्स को देखते हो और जितने भी लूजर्स को देखते हो, उनमें क्या फर्क है? जितने भी विनर्स हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा किसी भी काम को कुछ अचीव करने के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर एक विनर एक एग्जाम दे रहा है और एक नॉर्मल आदमी एक एग्जाम दे रहा है, उसमें क्या फर्क होगा? जो विनर एक एग्जाम दे रहा है वो उस एग्जाम को अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए देगा। वो उस एग्जाम को इसलिए देगा क्योंकि उसे अच्छा स्कोर करना है। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी जो मेहनत नहीं करता और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, वो उस एग्जाम को बस पास होने की कोशिश से देगा। यही फर्क होता है अमीर और गरीब में, यही फर्क होता है विनर और लूजर्स में। विनर्स हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से करते हैं कि वो उस गेम को जीत सके, वो जिंदगी की रेस को जीत सके। और जो लूजर्स होते हैं वो बस सरवाइव करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, सरवाइव करने के लिए अपने आप को जानवर भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ह्यूमन के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत कुछ अचीव करने के लिए इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए आपको जीतने की कोशिश के साथ काम करना चाहिए, ना कि इस कोशिश के साथ कि आप बस सरवाइव करते रहे। नंबर 7, डू द इजी थिंग्स इन लाइफ। टी हार्व कहते हैं कि आप जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको मुश्किल लगती है, वो आपको मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि आप उनको करने की कोशिश नहीं करते। कोई भी चीज आपको एक बार समझ नहीं आती है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर वो आपके लिए आसान बनती है। इसीलिए पहले आसान चीज कीजिए जिससे आपको ये लगे कि आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद उस मुश्किल काम को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे वो काम आपके लिए इजी बन जाएगा। लेकिन एक बात को समझिए, अगर आप किसी काम को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो काम आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। ये सेम चीजें आपकी स्टडी के साथ भी है, ये सेम चीजें आपके बिजनेस के साथ भी है, ये सेम चीजें आपकी हेल्थ के साथ भी है। अगर आप फिट रहना चाहते हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो, तो आप पहले ही दिन जाकर बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, आप हैवी डंबल नहीं उठा पाओगे। लेकिन आपको जो सबसे आसान लगता है, सबसे पहले उसको करना शुरू कीजिए जिससे आप इम्प्रूव कर सके, और फिर धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाइए और प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे करके आप उस हैवी डंबल को भी उठाना शुरू कर दोगे और आपके लिए फिर उसको उठाना बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके सक्सेस में मैटर करती है, अगर अमीर बनना चाहते हो उसमें मैटर करती है, आप हेल्दी बनना चाहते हो उसमें मैटर करती है। इसलिए आसान से डिफिकल्ट की ओर जाने की कोशिश कीजिए। नंबर 8, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जब आप पैदा हुए थे तब आपका दिमाग बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आपके पैदा होने के बाद ही उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन
भरनी शुरू हो गई, जो आपके आसपास के लोग जैसे बात करते थे, जैसे आपके आसपास के लोग बिहेव करते थे, जैसे वो रहते थे, जैसी आपको एजुकेशन दी गई, जैसा लोगों ने आपके बारे में बोला, आपकी इन्फॉर्मेशन उसी की तरह बनती गई और आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन एक फाइल की तरह सेव हो गई। अगर आज आपकी कोई लिमिटेशन है तो वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट है जो बचपन में आपको दे दी गई थी, लेकिन आप इसको बदल सकते हो अगर आप सक्सेसफुल पीपल को सुने, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़े, अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन को रीड करें या अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालें। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो बहुत अच्छे रीडर है। वो अपने आप को इन्फॉर्मेशन से भरते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से, जिसकी मदद से वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सके, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लेकिन हम हर उस चीज को सुनते हैं जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। उस चीज को सुनिए लेकिन पॉजिटिव साइड भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखिए। जब आप उनके विचारों को सुनेंगे, जब आप उन्होंने जो बोला है उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालोगे, तब आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन अपने आप आपके दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएगी और एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए माइंडसेट के साथ आप काम करना शुरू करोगे। नंबर 9, एवरी मास्टर वॉज वंस ए डिजास्टर। जितने भी लोगों को आज आप सक्सेसफुल मानते हो वो कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। जितने भी लोगों को, जिन लोगों को आप अमीर मानते हो, जिन लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हो, आपको लगता है कि वो बहुत लकी है, कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है और आज आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हो, जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हो, उनका पास्ट उठा कर देखिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं। और अगर वो इस चीज को कर सकते हैं तो आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। बस दिक्कत यह है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, उनसे दूर भागने की कोशिश मत कीजिए इस वजह से कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज पहले किसी के भी पास नहीं होते, आपको उनको खुद बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। याद रखिए, एवरी मास्टर वॉज वंस ए डिजास्टर। हर सक्सेसफुल आदमी कभी ना कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। नंबर 10, डोंट फॉरगेट टू वियर योर ऑसम ग्लासेस। कहने का मतलब ये है कि आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है? क्या आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया वैसा ही है जैसे सब लोग देखते हैं? बहुत से लोग जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, वो हर चीज में गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय आपको अपने नजरिए को बदलना होगा, आपको अपने आसपास के लोगों को अच्छा समझना चाहिए। जब आप अपनी कंडीशंस को, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको अच्छा समझोगे, जब आप उनको ऑसम कहना शुरू करोगे कि ये बहुत ऑसम है, तब आपके लिए वो चीजें धीरे धीरे कम मैटर करना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं लोग आपको अटेंशन दे, तो आपको लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर आप सब लोगों में गलतियां निकालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको लोग नापसंद करना शुरू कर देंगे। लोग गलतियां करेंगे लेकिन उन्हें बताने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अपना किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलिए। जब आप अपने नजरिए को बदलोगे, जब आप कंडीशंस को, प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदलोगे, तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। या तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा मुश्किल समझ सकते हो, या आप उनको अपने लिए एक चैलेंज समझ सकते हो और उसको ओवरकम करने के लिए काम कर सकते हो। अब आपको किस नजरिए से काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो टी हार्व ने अपने इंटरव्यू में, अपनी बुक्स में बताई है। इनको फॉलो करके आप एक अच्छा माइंडसेट तैयार कर सकते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट, जिससे आप अपने गोल को, अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इन कुछ सीक्रेट्स को फॉलो कीजिए और अपने सक्सेस को, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए।